और दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैंने देखा है टेनेट नाम की इस फिल्म को। ये फिल्म मैंने देखी यार, इट्स अ अमेरिकन फिल्म और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलान ने। अब देखो, ये जो फिल्म है, ये फिल्म आपको तभी समझ आएगी जब आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे इस फिल्म में, क्योंकि ये जो फिल्म है, मैंने बड़े वैसे तो 2 साल पहले रिलीज हो गई थी, मैंने 2 साल बाद ये फिल्म देखी, लेकिन लिटरली ये वाइन की तरह और नशीली हो रही है ये फिल्म, क्योंकि इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जो राइटिंग है, वो इतनी इंटेलिजेंट है कि आप एक टाइम तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे यार फिल्म में क्या हो रहा है। फिल्म वैसे टाइम ट्रेवलिंग पे भी है, टाइम इन्वर्जन पे भी है, जो आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेगी यार एक फ्लो क्या होना चाहिए एक इंटेलिजेंट राइटिंग का। हर एक एक एक्टर को जो जो स्क्रीन प्ले, जो जो रोल दिया गया है, वो उस एक्टर ने बखूबी निभाया है। जॉर्ज वॉशिंगटन, पैटिनसन, डिम्पल कपाडिया और एलिजाबेथ, ये 4 लोग मेन लीड में थे और लिटरली इनकी एक्टिंग आप देख लोगे, आप कहोगे भैया बवाल काट दिया इन लोगों ने, बवाल काट दिया। डिम्पल कपाडिया, बहुत माइन्यूट रोल है, सिर्फ 10 मिनट का रोल होगा 2.5 घंटे की मूवी में, लेकिन जब जब वो आती हैं तब तब जो स्क्रीन है वो गर्म होने लग जाती है, जो प्ले है वो गर्म होने लग जाती है। वहीं जो जो आपके जॉर्ज वॉशिंगटन है, वो मेन लीड में है, यहाँ पे CIA एजेंट है, वो किस तरीके से वो हजारों तरीके की प्रॉब्लम से लड़ते हैं, किस तरीके से बाहर आते हैं, किस तरीके से जो पूरा स्क्रीन प्ले का जो अकॉर्डेंस है उसको अपने कंट्रोल में लेते हैं, ये कहानी आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करेगी। वहीं उनके साथ में जो उनके को एक्टर हैं, जो पैटिनसन है, अब उनकी एक्टिंग देखना, अब उनके डायलॉग्स देखना, वो बहुत स्मार्ट बंदा है यार, जो यहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ काम कर रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। यानी जो फिल्म का जो टाइम इन्वर्जन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है कि भाई किस तरीके से जो लोग हैं वो रिवर्स जा रहे हैं, किस तरीके से जो बुलेट की जो एक थ्योरी है कि बुलेट रिवर्स आके लोगों को लग रही है, वो जो एक कहानी, वो जो एक VFX ट्रांजिशन है, वो इतना अच्छे से और उस चीज़ को जो ऑडियंस है उनके दिमाग में चढ़ाने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है उसको भी रिवर्स कर दिया गया है, ताकि आप स्क्रीन के साथ जो स्क्रीन प्ले है उसके साथ साथ आप अच्छे से जुड़ पाएं। तो आप देखिए यार, क्रिस्टोफर नोलान की एक तो यहाँ पे लिखने का जो एक इंटेलिजेंट राइटिंग है वो तो आपको दिख रही है, दूसरी चीज़ बैकग्राउंड स्कोर को किस तरीके से रिवर्स कर दिया है और उसका जो एक ढंग है वो दिमाग पे किस तरीके से चल रहा है, उसका जो नशा है किस तरीके से दिमाग पे चल रहा है, वो चीज़ भी हमें समझ आ रही है। वो जो एक CIA की जो टेंशन है कि ये रिवर्सेबल बुलेट कहाँ से आई, आखिर कौन सा तत्व इसमें मिला हुआ है, आखिर वर्ल्ड वॉर से इसका ध्यान कैसे जुड़ा हुआ है, वो जो लिंकेज है वर्ल्ड वॉर का वो क्या है, ये कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो 3-4 शब्दों का मतलब समझ लीजिएगा, फिजिक्स के थोड़े लॉस पढ़ लीजिएगा, तभी इस फिल्म को जाकर देखिएगा, वरना आपको फिल्म समझ में नहीं आने वाली। मेरी तरफ से इस फिल्म को 4.5 स्टार्स है 5 में से। अगर आपने इस फिल्म को देखा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना क्या आप कहानी का क्रक्स निकाल पाए कि नहीं।